अनुपमा स्टार प्लस का सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट शो जो कई सालों से चलता आ रहा है लेकिन टीआरपी चार्ट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप पर ही रहता है। इस सीरियल के कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनसे लोग बहुत प्यार करते हैं जैसे कि अनुपमा, अनुज, बापूजी एंड ऑल। लेकिन कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिन्हें लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा है जैसे कि वनराज, पारितोष, राखी दवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई बार इस शो में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स की एंट्री की गई जिससे शो में अलग तरह का ही ट्विस्ट आ गया। तो आज का ये वीडियो उसी से जुड़ा हुआ है जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी अनुपमा के वो वाले न्यू एंट्रीज के बारे में जो इस शो में सिर्फ और सिर्फ केओस और ढेर सारा ड्रामा लेकर आए। पहला नाम है अभी अभी आई माया यानी कि छवि पांडे का। ये माया के आते ही छोटी अनु तो उसकी तरफ हो ही गई लेकिन साथ ही अब पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो शिफ्ट हो चुका है एक लव ट्रायंगल की तरफ जहाँ पर है अनुज, अनुपमा और माया। अनुपमा के बाद अब माया को फाइनली उसके घर में रहते रहते यानी कि अनुपमा के घर पे रहते रहते अनुपमा के हस्बैंड यानी कि अनुज से ही प्यार हो चुका है। तो ये ट्विस्ट जो है सीरियल में बहुत ही बड़ा तूफान लेकर आया है लेकिन देखते हैं कि क्या पहले की तरह जैसे कि वनराज ने अनुपमा के साथ किया था यानी कि चीट किया था क्या अनुज भी अनुपमा को चीट करने वाला है या नहीं। अगला नाम है मुक्कू का कैरेक्टर जिसे प्ले किया था अनेरी मजानी ने। वो बन के आई थी अनुज की छोटी बहन जिसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था और उनका सबसे बड़ा जो रोल था इस सीरियल में वो ये था कि वो अनुज और अनुपमा को साथ में लेकर आ गई। मुक्कू के कैरेक्टर को इस सीजन से भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। नेक्स्ट है अनिरुद्ध जिसे प्ले किया है रुशाद राणा ने। ये सीरियल में अभी भी ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं बट एज काम एज एक्स हस्बैंड। अब आजकल फिर से अनिरुद्ध दिख रहे हैं लगातार क्योंकि अनिरुद्ध के आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि काव्या का फोकस कहीं ना कहीं अनिरुद्ध होने वाला है और वहीं पर वनराज को अनुपमा की वैल्यू उनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जाएगी और वो फिर से अनुपमा के साथ जाने का भी प्लान कर सकते हैं। अगले हैं नितिश पांडे जिनका रोल वैसे तो काफी ब्रीफ था लेकिन वो बनकर आए थे अनुज कपाड़िया के बेस्ट फ्रेंड धीरज। इनकी एंट्री का यही मेन मुद्दा था कि वो अनुपमा के मन में डाउट लेकर आने वाले थे कि अनुज शादीशुदा होने के बावजूद थोड़ा सा लोनली फील करने लगे हैं। इनके कैरेक्टर को काफी ज्यादा फन लविंग रखा गया था और इनके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया था। अभी के लिए लास्ट ऑन आवर लिस्ट इज डॉक्टर अद्वैत जिसे प्ले किया था पूर्व अग्निहोत्री ने। ये कैरेक्टर उस टाइम आया था जब अनुपमा की जिंदगी में अनुज की एंट्री फिर से नहीं हुई थी। उस टाइम सभी को लग रहा था कि डॉक्टर अद्वैत और अनुपमा साथ में आगे बढ़ने वाले हैं यानी कि इनका कुछ लव कनेक्शन होने वाला है लेकिन इनका कैरेक्टर भी बहुत ही जल्दी हटा दिया गया। इनके कैरेक्टर की बहुत ही जल्दी एग्जिट कर दी गई और डॉक्टर अद्वैत का जो कैरेक्टर आया था वो उस टाइम पर आया था जब अनुपमा कैंसर से डील कर रही थी, उससे लड़ रही। तो ये तो थे वो कुछ न्यू एंट्रीज जो इस शो में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आए। और अगर अभी के ट्रैक की बात करूं तो इस टाइम सबसे बड़ा जो ट्रैक चल रहा है वो है माया का जो कि अनुज और अनुपमा की जिंदगी में आ गई है और तुली हुई है किसी भी तरह से उनकी शादी टूट जाए लेकिन देखते हैं क्या ये हो पाता है या फिर नहीं। बाकी अभी के लिए गाइस इतना ही लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका इन सब एंट्रीज के बारे में क्या कहना है और इनमें से कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था और कौन से कैरेक्टर से आप बुरी तरह से हेट करते थे। इसी के साथ गाइस अभी के लिए इतना ही। मैं तनाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो विच आई एम श्योर आया होगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, सबके साथ शेयर करना और इसी तरह से हर एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए, हर सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के लिए, हर वेब सीरीज एंड फिल्म रिव्यूज के लिए देखते रहना ENT Live।